जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक 4 द एथेनियन सिटी स्टेट। हमें दिख रहा है ये पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूनिट का टॉपिक नंबर 4 है द एथेनियन सिटी स्टेट, इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देयर आर 5 टॉपिक्स इन दिस यूनिट। इस यूनिट में 5 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक्स हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोस में, लेकिन फिर भी एक बार मैं रनिंग में इसमें आपको बता देती हूँ। द एपिक, सेकेंड है द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी, थर्ड है कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा, फोर्थ है द एथेनियन सिटी स्टेट, और फिफ्थ है लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। इस तरह से ये 5 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। कौन सी यूनिट में? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, ये आप पढ़ चुके हो, द एपिक। सेकंड है द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप इसको भी पढ़ चुके हो। थर्ड है कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा, इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हो। हाँ, एक बात बता दूँ, इसकी 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो कॉमेडी का अलग वीडियो अपलोड किया है, ट्रेजिडी का अलग किया है। तो टॉपिक 3 की 2 वीडियो हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम टॉपिक 4 को पढ़ेंगे, एथेनियन सिटी स्टेट। इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद में इसी पूरी यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगी और सब्जेक्टिव टाइप भी समझाऊंगी कि किस तरह से इस यूनिट से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट पेपर की ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और उधर सेकंड पेपर में हमारी लगभग 2 यूनिट कंप्लीट होने जा रही हैं। तो द एथेनियन सिटी स्टेट इन क्लासिकल ग्रीस, एथेंस बाय द चीफ सिटी ऑफ एटिका। इन क्लासिकल ग्रीस, क्लासिकल ग्रीस में एथेंस एटिका का मुख्य शहर था। एटिका क्या है? एटिका मध्य ग्रीस का एक क्षेत्र है या भाग है। उसका एथेंस क्या है? एक मुख्य शहर था एंड सिग्निफिकेंट अर्बन हब, और एक महत्वपूर्ण अर्बन हब था ऑफ रेनाउंड सिटी स्टेट। इस रेनाउंड सिटी स्टेट का, इस प्रसिद्ध सिटी स्टेट का अर्बन हब था। अर्बन हब मतलब शहरी केंद्र स्थल था। ड्यूरिंग द क्लासिकल इरा, क्लासिकल युग के दौरान, क्लासिकल सम्मत के दौरान, इरा का मतलब युग या सम्मत, द सिटी वाज सिट्यूटेड अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी। क्लासिकल इरा के समय ये शहर समुद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। द सिटी वाज सराउंडेड बाई माउंटेन्स ऑन ऑल द साइड्स एक्सेप्ट द साउथर्न पार्ट। ये शहर साउथर्न पार्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा या को छोड़कर, साउथर्न पार्ट को, दक्षिणी भाग को छोड़कर, सभी चारों तरफ से किससे घिरा है? माउंटेन्स से घिरा है, ठीक है। एथेंस सिटी मतलब एथेंस सिटी के चारों तरफ माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं। कौन से भाग को छोड़कर? साउथर्न पार्ट को छोड़कर, दक्षिण भाग को छोड़कर, सभी भागों में पर्वत हैं या पर्वत थे। द एथेंस, एथेंस डेवलप्ड ए मैग्निफिसेंट एंड ग्लोरियस सिटी स्टेट फ्रॉम ऑल साइड्स। एथेंस ने डेवलप किया, विकसित किया एक मैग्निफिसेंट और आकर्षित एंड ग्लोरियस शानदार सिटी स्टेट डेवलप किया फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी साइड्स से, सभी तरह से या सभी तरफ से एथेंस ने एक मैग्निफिसेंट, आकर्षक और ग्लोरियस शानदार सिटी स्टेट को डेवलप किया। नेक्स्ट चलेंगे, हाँ देखेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग द क्लासिकल इरा कंट्रीब्यूटेड टू द सिटीज ग्रेटर एनरिचमेंट। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला के विकास ने
एंड कल्चर और संस्कृति के विकास ने क्लासिकल युग के दौरान कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया टू द सिटीज ग्रेटर एनरिचमेंट, शहर के अधिक समृद्धि के लिए योगदान दिया। मतलब कहने का है कि कला के विकास ने, संस्कृति के विकास ने क्लासिकल एरा के दौरान, क्लासिकल युग में किसने कला के विकास ने और संस्कृति के विकास ने इस शहर के ग्रेटर एनरिचमेंट में, समृद्धि में क्या दिया, बहुत अधिक योगदान दिया। इट डेवलप्ड ए रिनाउंड सेंटर फॉर लर्निंग एंड फिलोसफिकल थिंकिंग। इट डेवलप्ड, इसने विकसित किया, ए रिनाउंड सेंटर, एक प्रसिद्ध सेंटर फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, एंड फिलोसफिकल थिंकिंग, दार्शनिक थिंकिंग के लिए, दार्शनिक सोच के लिए एक रिनाउंड सेंटर भी डेवलप किया था। किसने? एथेंस ने। आगे नेक्स्ट चलेंगे, अरिस्टोटल्स लाइसियम एंड प्लेटोस अकादमिया वर रिटन इन दिस सिटी ओनली। अरिस्टोटल की लाइसियम और प्लेटो की अकादमियन भी इसी सिटी स्टेट में ओनली लिखी गई थी। द एथेंस गेव बर्थ टू मैनी प्राइसलेस जेम्स, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। एथेंस गेव बर्थ टू द मैनी प्राइसलेस जेम्स। एथेंस ने बहुत से या कई बहुमूल्य हीरों को जन्म दिया। प्राइसलेस मीन्स कीमती या बहुमूल्य, जेम मीन्स हीरों को, और वो हीरे कौन थे? सुकरात थे, प्लेटो थे एंड अरिस्टोटल। ये एथेंस के हीरा कहे जाते थे। एंड अदर्स, और अन्य को भी जन्म दिया, हु कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने योगदान दिया टू द रीशेपिंग ऑफ द सिटी। रीशेपिंग, सिटी के रीशेपिंग में, रीशेपिंग मतलब नई आकृति देने में, नया रूप देने में, अलग ढंग से आकृति देने में या दोबारा आकृति देने में इन्होंने योगदान दिया। पॉलिटिकली, सोशली एंड कल्चरली एथेंस रोज टू प्रोमिनेंस अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स। पॉलिटिकली, राजनैतिक रूप से, सोशली, सामाजिक रूप से, कल्चरली मतलब सांस्कृतिक रूप से, एथेंस रोज टू प्रोमिनेंस। एथेंस ने वृद्धि की, प्रोमिनेंस मीन्स प्रमुखता में, रोज मीन्स बढ़ाया या वृद्धि की, प्रोमिनेंस मीन्स प्रमुखता में, एमंग द वेस्टर्न यूरोपियन कंटिनेंट्स। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंटिनेंट्स थे, आदिप थे, उनमें इन्होंने पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली रूप का, सांस्कृतिक रूप से इन्होंने इसको क्या दिया, इसकी प्रमुखता को बढ़ाया, इसकी वृद्धि की। एथेंस प्लांटेड द सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी। एथेंस ने डेमोक्रेसी के सीड्स को भी उगा लिया, मतलब प्रजातंत्र के बीजों को भी उसने बो दिया, मतलब उगा दिया। विच गेव प्रॉपर शेप, जिसने दी प्रॉपर शेप मीन्स उचित आकृति टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसने पश्चिमी सभ्यता को एक उचित शेप, प्रॉपर शेप प्रदान की। आगे चलेंगे, एथेंस बाज एनसर्किल्ड बाई माउंटेन्स। एथेंस पर्वतों से एनसर्किल्ड था, मतलब पर्वतों से घिरा हुआ था। इट बाज बाउंडेड बाई माउंट पारनेस टू द नॉर्थ वेस्ट, और माउंट पारनेस नाम का जो पर्वत था वो नॉर्थ वेस्ट में था, मतलब नॉर्थ मीन्स उत्तर और वेस्ट मीन्स पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में माउंट पारनेस नाम का पर्वत था। माउंट हाइमेटस टू द साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में माउंट हाइमेटस था। एंड माउंट पेंटेलिकस टू द नॉर्थ ईस्ट, और माउंट पेंटेलिकस जो था वो नॉर्थ ईस्ट में था, उत्तर पूर्व में था। तो इस तरह से ये इतने पर्वत थे जो एथेंस सिटी को चारों तरफ से घेरे हुए थे, घेरे हुए हैं।
एथेंस सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एथेंस सिटी टू पार्ट्स में डिवाइड है, वो कौन कौन से, द लोअर सिटी और सेकंड है द अपर सिटी और एक्रोपोलिस, द लोअर सिटी द अपर सिटी और एक्रोपोलिस। हाँ देखेंगे, द अपर सिटी और द एक्रोपोलिस ऑल्सो नोन एज द सिटाडेल ऑफ एथेंस। एक्रोपोलिस जो था, अपर सिटी एक्रोपोलिस ऑल्सो मीन्स भी, नोन मीन्स जाना जाता है एज द सिटाडेल ऑफ एथेंस, एथेंस के सिटाडेल के रूप में इसको जाना जाता है। सिटाडेल एक तरह से कहेंगे एक गढ़ राज, पहाड़ी पर बना एक गढ़ परिसर या दुर्ग या किला, तो एथेंस का एक सिटाडेल था कौन, एक्रोपोलिस, ठीक है, इसलिए इसको अपर सिटी कहा जाता है। मतलब दो भाग थे इसके, एक अपर मतलब एक ऊंचा स्थान था, मतलब इसकी जो एक चट्टान थी उस पर बसा हुआ था, उस चट्टान को एक्रोपोलिस के नाम से जाना जाता था, जो एथेंस के सिटाडेल के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। तो इज ए, आगे समझ जाएंगे ये एक्रोपोलिस क्या है या अपर सिटी क्या है, देखो आगे पढ़ेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे। तो इसे एथेंस के सिटाडेल के रूप में जाना जाता है। इज ए रफली स्क्वायर रॉक, ये क्या है, एक रफली भद्दे रूप से, स्क्वायर मीन्स चौकोर, रॉक मीन्स चट्टान है, दैट राइजेज अरप्टली, जो राइजेज है मतलब उठी हुई है, निकली हुई है, अरप्टली मतलब अप्रत्याशित ढंग से या रूखेपन से, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द प्लेन, प्लेन के मध्य में ये अप्रत्याशित ढंग से ये उभरी हुई है। क्या है ये, एक्रोपोलिस, एक रॉक है, चट्टान है, रफली स्क्वायर रॉक, चौकोर चट्टान है, जो प्लेन्स में क्या है, उभरी हुई है अरप्टली, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, अपर सिटी, मतलब ऊंचा स्थान है उसे अपर हो गया वो, और नीचा है वो लोअर हो गया, ये लोअर हो गया इधर, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इट इज अबाउट 50 meters हाई, ये 50 meters ऊंची है, इधर कर लेते हैं, क्या है 50 meters ऊंची, स्क्वायर रॉक जिसे एक्रोपोलिस कहते हैं, ठीक है। तो 50 meters हाई है ये, एंड 350 meters लॉन्ग, और 350 meters लंबी है, एंड 150 meters ब्रॉड, और 150 meters चौड़ी है। ऑल ऑफ इट्स साइड्स वर नेचुरली स्कार्ड अपार्ट एक्सेप्ट द बेस्ट एंड, ऑल ऑफ इट्स साइड्स, इसकी सभी साइड्स वर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्कार्ड मीन्स विच्छित हो गई हैं, आहत हो गई हैं, अपार्ट अलग से, एक्सेप्ट द बेस्ट एंड, बेस्ट एंड के अलावा, के अतिरिक्त, देयर वर नंबरस टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑल अराउंड द टॉप ऑफ द एक्रोपोलिस, और देयर वर बहुत सारे नंबरस टेम्पल, कई सारे टेम्पल्स और कई सारे कांसे के स्टैचू ऑल अराउंड चारों तरफ हैं, टॉप ऑफ द एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस की चोटी के चारों तरफ बहुत सारे, कई सारे ब्रॉन्ज के स्टैचू हैं और कई सारे टेम्पल्स हैं। द लोअर सिटी वाज बिल्ट अराउंड द एक्रोपोलिस, और जो लोअर सिटी है दो पार्ट में, एथेंस बटा हुआ है, एक अपर सिटी और लोअर सिटी, मतलब निचला भाग है वो लोअर सिटी है, और एक चोटी है, एक चट्टान है, रॉक, उसको अपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो द लोअर सिटी वाज बिल्ट अराउंड द एक्रोपोलिस, और जो लोअर सिटी है वो एक्रोपोलिस नाम की जो एक रॉक है उसके चारों तरफ बना है, बिल्ट मीन्स बना है, विच वाज एनसर्कल्ड बाई नंबरस हिल्स एज एरोपेगस, द हिल ऑफ निम्फ और द मासियोन एंड द पाइनेक्स,
इसको फिर से समझेंगे। तो जो लोअर सिटी है वो एक्रोपोलिस के चारों तरफ बसी है, बनी है, बीच बाद एनसर्किल्ड, जो एनसर्किल्ड है मतलब जो चारों तरफ से घिरी घिरी है, किससे? नंबरस हिल्स, कई पहाड़ियों से, बहुत सारी पहाड़ियों से घिरी है। क्या घिरी है? लोअर सिटी, एज कौन कौन सी? एरोपेगस हिल है, द हिल ऑफ निम्फ है, द माउसियोन हिल है एंड द पाइनेक्स हिल है। ये पहाड़ियाँ किसके तरफ हैं? लोअर सिटी के चारों ओर हैं, पहाड़ी एरिया है। सम प्रोमिनेंट स्ट्रीट, कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रीट भी हैं इन क्लासिकल एथेंस, क्लासिकल एथेंस में, सच एज जैसे प्रियन स्ट्रीट, द स्ट्रीट ऑफ द ट्रिपोर्ट्स, द पानाथेनिक बे, पानाथेनिक बे भी है एक, ऑल क्रॉस द सिटी, सभी ऑल क्रॉस द सिटी, सभी सिटी को या पूरी सिटी को क्रॉस करने के बाद देयर आर नंबरस प्रोमिनेंट गेट्स, कई सारे प्रोमिनेंट गेट्स हैं। हाँ तो कौन कौन से गेट्स हैं? डेपिलोन, डेपिलोन गेट है, द नाइट्स गेट है, द गेट ऑफ द डेड है, द गेट ऑफ द डायोकार्स है एंड द अकार्नियन गेट है। इतने सारे गेट हैं लोअर सिटी में, एक्सेट्रा। द सेनेट हाउस वाज इन इट, इसमें एक सेनेट हाउस भी है। देयर वर मैनी थिएटर्स इन इट, इसमें बहुत सारे थिएटर्स भी हैं या थिएटर्स होते थे, अब तो थिएटर्स नहीं रहे हैं। देयर वाज ए हाई कल्चर इन एथेंस, एथेंस में हाई कल्चर भी थी, उच्च संस्कृति। इन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, जीवन और समाज का प्रत्येक पहलू, द सिटी वाज एनरिच्ड, सिटी को एनरिच्ड बनाता है, समृद्ध बनाता है। तो फिर से एक बार समझ लेंगे, देयर आर ए हाई कल्चर इन एथेंस, एथेंस में एक हाई कल्चर भी है, हाई कल्चर थी, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, जीवन और समाज के प्रत्येक एस्पेक्ट में सोसाइटी, वो सिटी अपने आप में एनरिच्ड थी। आगे चलेंगे देखेंगे, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एथेंस एज ए सेंटर ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी, द आर्ट एंड अदर परस्यूट्स पीक्ड बिटवीन द एंड ऑफ द पर्सियन बार एंड द मैकेडोनियन कॉन्क्वेस्ट। अब समझेंगे इसको, ठीक है। द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि ऑफ एथेंस, एथेंस की समृद्धि किसके रूप में? एज ए सेंटर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य के केंद्र के रूप में, दर्शन शास्त्र के केंद्र के रूप में एंड द आर्ट कला के केंद्र के रूप में एंड अदर अन्य अन्य के रूप में, परस्यूट्स मीन्स फॉलो करते हैं, पीक्ड फॉलो करके इसको पीक पर पहुंचा देते हैं, मतलब ये चीज, क्या चीज? लिटरेचर साहित्य का सेंटर, साहित्य दर्शन कला ये सभी चीज़ें इसको क्या करती हैं, उसके पीक पर पहुंचाती हैं। बिटवीन द एंड ऑफ द पर्शियन बार, पर्शियन बार के कहाँ तक? अंत तक। एंड द मैकेडोनियन कॉन्क्वेस्ट, मैकेडोनियन की जो विजय हुई थी, विजेता हुए थे, विक्ट्री हुए थे, उसके अंत तक इसको पीक पर पहुंचा दिया। किसने? लिटरेचर ने, फिलोसफी ने, आर्ट ने। आगे देखेंगे, ड्रामेटिस्ट लाइक एक्लश, एस्किलश, सोफोक्लीज, यूरिपिडस एंड अरिस्टोफेंस, जो ड्रामेटिस्ट हुए, लाइक नाटककार,
एस्किलस जैसे नाटककार, सोफोक्लिस जैसे नाटककार, यूरिपिडस जैसे और अरिस्टोफेंस जैसे नाटककार एथेंस में हुए। फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, लाइक सुकरात, सुकरात जैसे, प्लेटो जैसे और अरिस्टोटल जैसे। हिस्टोरियन हिस्टोरियन हुए, लाइक एक मिनट हाँ फिर से देखेंगे यहाँ से। हाँ हिस्टोरियन हुए लाइक हेरोडोटस एंड थासीडाइडेस, एनोफोन्स। पोइट्स लाइक सिमोनिडेंस, यहाँ पर है पोइट्स हुए। हिस्टोरियन कौन कौन से हुए? हेरोडोटस, थासीडाइडेस, एनोफोन्स और पोइट्स हुए। पोइट्स कौन कौन से हुए? सिमोनिडेस एंड स्कल्प्टर हुए, मूर्ति कलाकार हुए। फिडियस जैसे आर एमंग दोज, इन सभी के बीच में हु हैव कंट्रीब्यूटेड, सब ने जिन्होंने कंट्रीब्यूटेड किया, योगदान दिया टू दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को। आगे देखेंगे इन क्लासिकल एथेंस। क्लासिकल एथेंस में वुमेन डिड नॉट हैव मच स्पेस फॉर देमसेल्फ। क्लासिकल एथेंस में वुमेन्स अपने लिए अधिक स्पेस, अधिक जगह नहीं रखती थी, अधिक स्थान नहीं रखती थी, अच्छा स्थान नहीं रखती थी। एंड डिड नॉट हैव द सेम इंडिपेंडेंस एज मैन, और आदमी के जैसी मर्दों के जैसी उनकी स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब जैसे कि पुरुष की स्वतंत्रता होती है वैसी उनकी स्वतंत्रता नहीं थी। सेम इंडिपेंडेंस एज मैन, आदमी के जितना औरतें स्वतंत्र नहीं थी। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम गेटिंग फॉर्मल स्कूलिंग, उन्हें फॉरबिडन कर दिया गया था, मना थी उनकी फ्रॉम गेटिंग फॉर्मल स्कूलिंग, औपचारिक रूप से स्कूलिंग उनके लिए उस पर बाउंडेशन थी, वो फॉर्मली स्कूल नहीं जा सकती थी। दे डिड नॉट हैव टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म, उनकी परफॉर्म करने के लिए दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, दो जिम्मेदारी हुआ करती थी। वो कौन कौन सी? टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ की टेक केयर करना, देखभाल करना। एंड बियरिंग चिल्ड्रन, मतलब घर की देखभाल करना, घर की एक्टिविटीज़ की देखभाल करना। एंड बियरिंग चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करना, बच्चे पैदा करना, ये दो ही जिम्मेदारी थी उनकी। पहले के ज़माने में एथेंस में ही नहीं, हर जगह जब शिक्षा का अभाव था तो औरत को मात्र ये माना जाता था, उसे हर एक पॉलिटिकल पब्लिक जो मुद्दे हुआ करते थे उनसे दूर रखा जाता था, घर में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेंगी, और स्कूल भी वर्जित था उनके लिए, पढ़कर क्या करेंगी, इनका तो काम केवल बच्चे पैदा करना है और घर को देखना है, घर के क्रियाकलापों को देखना है, जिंदगी महिलाओं की जिंदगी केवल यहीं तक थी। हाँ देख लेंगे एक बार, चल रहा है ठीक, ओके। हाँ देखेंगे वुमेन वर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन पब्लिक इंट्रैक्शन, और जो वुमेन्स जो थी उनको परमिटेड नहीं थी, परमिशन नहीं थी टू एंगेज, जुड़ने की इन पब्लिक इंट्रैक्शन। जो पब्लिक अन्योन क्रिया होती थी, पब्लिक की जो भी एक्टिविटीज होती थी, पब्लिक अन्योन क्रिया का कोई भी काम होता था उसमें उनको एंगेज करने की, उसमें जाने की, उससे जुड़ने की उनको परमिशन नहीं थी। और इवन वॉक आउटसाइड, और उन्हें बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी। वुमेन हैड टू गो टू द मार्केट एंड ड्रॉ वाटर, वुमेन को केवल मार्केट जाने का और पानी भरकर लाने का ही क्या था, अधिकार था। वुमेन्स राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू एंगेज देमसेल्फ इन द पब्लिक एक्टिविटीज। तो वुमेन्स के अधिकार वर रेस्ट्रिक्टेड थे, प्रतिबंधित थे, बिकॉज क्योंकि दे वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं था एंगेज करना,
अपने आप को जोड़ना, देम सेल्फ मीन्स अपने आप को इन द पब्लिक एक्टिविटीज़, जो भी पब्लिक एक्टिविटीज हुआ करती थी उसमें उनके लिए अलाउ नहीं था कि उसमें जा कर के वो प्रतिभाग करें, उसमें भाग लें। आगे चलेंगे, हाँ देखेंगे, दे लैक्ड द राइट्स टू स्पीक फॉर देम सेल्फ इन लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। दे लैक्ड, उनमें अभाव था राइट्स मीन्स अधिकारों का, उनके उनके पास अधिकारों का अभाव था स्पीक फॉर देम सेल्फ, अपने लिए बोलना मतलब, एंड लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, कानूनी और राजनीतिक जो मैटर्स होते थे उनके लिए अपने लिए बोलना, उनमें अपने लिए बोलना, इसके लिए उन पर अधिकार नहीं थे। मतलब उनके साथ जो भी हो रहा है उनके उनको इतना भी अधिकार नहीं था, उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है या अत्याचार हो रहा है तो उनको इतना राइट नहीं था कि वो अपने खिलाफ जो भी हो रहा है उनके साथ उसके विरुद्ध या उसको लेकर वो कुछ भी पॉलिटिकल मैटर या लीगल मैटरों में वे बोलें, इतना अधिकार उनका नहीं था। द मैन रूल्ड देम, आदमी उन पर शासन करते थे, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, पुरुषों की चलती थी, पुरुष महिलाओं पर शासन करते थे। दे हैड वेरी फ्यू राइट्स, वे बहुत कम अधिकार रखती थी महिलाएं, महिलाओं की बात हुई है। द एथेनियन मिलिट्री आर्मी वाज एक्सेप्शनली वेल इक्विप्ड, जो एथेनियन मिलिट्री आर्मी थी वो एक्सेप्शनली असाधारण रूप से वेल इक्विप्ड, बहुत अच्छी तरह से तैयार मिलिट्री आर्मी थी। एंड दे यूज्ड न्यू मेथड टू विन द बैटल लाइक द पेलोपोनियन वार्स, तो दे यूज्ड न्यू मेथड, वे प्रयोग करते थे नए तरीके नए मेथड्स टू विन, जीतने के लिए बैटल्स में युद्धों को, लाइक यहाँ ई और बनेगी, लाइक द पेलोपोनियन पोनेशियन सॉरी जो पेलोपोनेशियन बार जो था वो क्या था, पेलोपोनेशियन प्रायद्वीप था एक, जो स्पार्टा आर्गोस कोरिंथ और जो सिनेन सहित कई महान यूनानी शहर राज्यों का घर था, जो फारसी युद्ध के बाद एथेंस और स्पार्टा 30 साल की शांति के लिए सहमत हुए थे। मतलब ये था कि एथेनियन मिलिट्री आर्मी इतनी अच्छी थी, इतनी वेल इक्विप्ड थी कि वो जो पेलोनेशियंस जो युद्ध होते थे उनमें ये जीते थे, और कैसे जीते थे वही सभी मेथड्स ये बहुत अच्छे से यूज करना जानते थे। इस तरह से हमारा एथेनियन सिटी स्टेट टॉपिक क्लियर हो जाता है। थैंक यू।